हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। तो आज मैं आपको एक क्विक अपडेट देने आया हूँ हैरियर एग्जिट प्लस के माइलेज के बारे में। बहुत लोग माइलेज को लेकर कंफ्यूज होते हैं गाड़ी में, तो आज मैं आपको बता दूँ, ये गाड़ी हमने ली थी 19 अगस्त को। आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं, आज क्या डेट है, आज है 4 सितंबर। तो 4 सितंबर को हमने पहले 19 को टैंक फुल कराया था और अब क्या कहते हैं, हमने कल टैंक फुल कराया। और टैंक फुल करने का ये सिर्फ 4 किलोमीटर चली है। तो तब और जब हमने टैंक फुल कराया तब इसमें डीजल डला 46 लीटर्स का। तब इसमें डीजल डला मतलब एक टैंक में वो थोड़ा बहुत 1-2 लीटर होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। तो एक टैंक में आप देख सकते हैं ये कितने किलोमीटर चली है, देखिए 584 किलोमीटर ये गाड़ी चली है एक टैंक, एक टंकी में 550 लीटर का इसमें टैंक आता है। मतलब एक टैंक में 580 किलोमीटर चली है ये गाड़ी। ये तो अच्छी बात है। अब अभी ये गाड़ी खड़ी खड़ी 12.7 का माइलेज दिखा रही है। अगर मैं इसको ट्रिप रीसेट करता हूँ फिर जीरो दिखाएगी। जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे माइलेज बढ़ता जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, सनरूफ खोलते हैं, बारिश हो रही है, बारिश अच्छी लगती है। उसका शीशा मत खोलिए, ये खोलिए बहुत अच्छा लगेगा आपको, कैबिन बड़ा सा भी लगता है। तो टॉपिक पे आते हैं, मैं कह रहा था इसमें 580 किलोमीटर गाड़ी चली है एक लीटर में। अब टैंक टू टैंक देखे, ये हाँ जो इतना ये दिखाती है इस पे बिल्कुल मत जाइएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट गाड़ी माइलेज नहीं दिखाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट लाऊंगा, सब्सक्राइब जरूर करिए। क्योंकि ऐसा ही रोजाना आपको फ्रेश कॉन्टेंट मिलेगा, वो भी बिल्कुल जेन्युइन कॉन्टेंट मिलेगा। मैं भी आफ्टर मार्केट है कुछ भी व्यूज के लिए कुछ नहीं डालूंगा। आप देख सकते हैं 584 किलोमीटर, यानी 580 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। 580 किलोमीटर ये 50 लीटर्स में, 46 लीटर्स में वो 50 हो गए, 50 लीटर्स में ये गाड़ी चली है 580 किलोमीटर।